उत्साहित मनोज राकेश के घर पहुंच गया। विष्णु भी वहीं बैठा हुआ था। मनोज ने अपने मन की इच्छा राकेश से कह दी। राकेश, मेरी इच्छा दुष्यंत सर जैसा SDM बनने की है। राकेश भैंस का गोबर उठाकर डलिया में डालते हुए मनोज से बोला। तो बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऊपर से कौन आवते, आदमी ही बनते हैं SDM। विष्णु को कुछ दिन पहले ही 12th फेल हो चुके मनोज के मुंह से इतनी बड़ी इच्छा सुनकर हंसी आ गई। वह जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। फिर उसने दोनों को सुनाते हुए कहा, मनोज तू अपनी औकात में रहकर बात कर, डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात है, तू तो क्लर्क भी नहीं बन सकता। 12th पास कर नहीं पाए तुम, चले डिप्टी कलेक्टर बनने। आदमी को उतने बड़े सपने ही देखने चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। विष्णु ने मनोज के मन में पल रहे सपने को चकनाचूर करने की कोशिश की। यह बात सुन मनोज का स्वप्न भंग हो गया। उसे लगा कि जो लड़का 12th में ही फेल हो गया हो, क्या उसे इतने बड़े सपने देखने का हक है? निराश मनोज सिर झुकाकर बैठ गया। लेकिन राकेश विष्णु की बातों से अप्रभावित रहा। उसने गोबर की दूसरी खेप डलिया में डालते हुए कहा, मैं तो अब यही कहूंगा कि आदमी मेहनत करेगा तो कछु भी बन सकता है। विष्णु को राकेश की बात में अपनी पराजय महसूस होने लगी। उसने राकेश पर व्यक्तिगत आक्रमण करने का मन बना लिया। राकेश तू क्या जाने पढ़ाई लिखाई की बातें, तू तो गोबर उठा। मैं 12th में 1st class पास हुआ हूँ। जब मैं डिप्टी कलेक्टर बनने की नहीं सोच पा रहा तो ये 12th फेल मनोज कैसे बन पाएगा डिप्टी कलेक्टर? लाखों लोग बैठते हैं परीक्षा में, तब बड़ी मुश्किल से 15-20 डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। विष्णु की बात सुनकर मनोज के मन में कुछ देर पहले आया उम्मीद का झिलमिलाता प्रकाश अचानक दूर हो गया। विष्णु ने अपने विचारों से मनोज के मन में कुछ देर पहले उठे उत्साह के तूफान को ठंडा कर दिया। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मोए तो जो समझ आतो है बोल देत हो, तो बुरा न मान विष्णु, राकेश ने अब पराजय स्वीकार करने के भाव से कहा। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु ने मनोज को सलाह दी। देख मनोज, तू इस जन्म में तो 12th पास कर ना पावेगो, इसीलिए मैं तुझे सही सलाह देता हूँ। अपने गांव में नाश्ते की अच्छी दुकान नहीं है, समोसे मंगोड़े और जलेबी की बहुत डिमांड है गाँव में। टेम्पो चलाने से अच्छा काम है मंगोड़े बनाना। कुछ दिन जौरा के बाबूलाल मंगोड़े वाले के यहाँ ट्रेनिंग ले, फिर गांव में ही अपनी दुकान खोल लेना। राकेश की भैंस खेत में चारा खाने गई थी। भरपेट चारा खाने के बाद वह गर्दन हिलाते हुए घर वापस आ गई। भैंस के पीछे पीछे उसका बच्चा भी उछलता हुआ आ गया। राकेश ने विष्णु के उतावलेपन को कम करने के उद्देश्य से कहा, विष्णु तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगो। तो एक काम कर, रूपा को खूंटे से बांध दे, तब तक मैं इसके बच्चे को पानी पिलाए देत हूँ। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु भैंस को खूंटे से बांधने लगा। भैंस ने राकेश के स्थान पर अपरिचित विष्णु को देखा तो बिगड़ गई। उसने अपनी गर्दन हिलाई और विष्णु को सींग मारने के लिए झपटी। विष्णु इस अप्रत्याशित आक्रमण से संभल नहीं पाया और पीठ के बल गिर पड़ा। राकेश और मनोज को भी इस तरह की घटना की आशंका नहीं थी, पर जब उन्होंने देखा कि विष्णु जमीन पर चित्त पड़ा है तो दोनों ने लपक कर उसे उठा लिया। विष्णु की सांसें तेज चलने लगी। होश में आते ही उसने पूरी घटना का जिम्मेदार राकेश को घोषित कर दिया और उसे खरी खोटी सुनाने लगा। राकेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सफाई दी। शुरू में 2-3 बार तो मुझे भी पटक दिया था रूपा ने, पर धीरे धीरे पहचानने लगी। अब तो वो इतनी होशियार हो गई कि खेत से चारा खा के इतनी दूर अकेले घर आ जाती है। इतना कहकर राकेश भैंस की गर्दन पर हाथ फेरता रहा। भैंस काफी देर तक राकेश का प्यारा स्पर्श महसूस कर अपनी गर्दन हिलाती रही। विष्णु जे भैंस भी लगातार अभ्यास से अपने घर पहुँचने का रास्ता पहचानना सीख गई। जानवर भी लगातार एक ही काम करते करते सीख जाते हैं। हम तो फिर भी आदमी हैं, आदमी के लिए कुछ भी काम कठिन ना है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान।
राकेश ने एक आक्रामक विराम के बाद अपने मन में बहुत देर से रुकी हुई बात बचपन में पढ़े दोहे के माध्यम से कही। विष्णु को उम्मीद नहीं थी कि अनपढ़ राकेश भैंस के उदाहरण से पढ़ाई और सफलता के सिद्धांत की बात समझाएगा। मनोज के मन में छाई घोर निराशा के बीच एक बार फिर उम्मीद की किरण फूट पड़ी। वह घर चला गया। रात भर वह छत पर लेटा सुदूर सपनों में खोया रहा। जून, गर्मी और उमस से भरे दिन। मनोज एक हाथ में थैला लटकाए रिश्ते के एक चाचा मूलचंद के साथ ग्वालियर की सड़क पर चला जा रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया है, लेकिन उसका मन आशा से भरा है। मूलचंद चाचा अपने साले त्रिलोकी के कमरे पर पहुंच गए। चाचा ने त्रिलोकी से कहा, त्रिलोकी, मनोज MLB कॉलेज से BA करेगा, तुम इसका एडमिशन करवा देना। त्रिलोकी MLB कॉलेज में BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने आश्वासन दिया, जीजाजी आप चिंता मत करो, मनोज को मैं अपने साथ ही रख लूँगा और इसका एडमिशन भी करवा दूँगा। त्रिलोकी की बात से संतुष्ट हुए मूलचंद वापस चले गए। गणित में 12th में फेल होने के बाद मनोज ने दोबारा 12th की परीक्षा इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय लेकर 55% से पास कर ली थी। अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स आ गए थे। ग्वालियर आते समय माँ ने उसे 2000 रुपये दे दिए थे। पिता पिछले एक साल में केवल एक बार गांव आए थे। टेम्पो कोर्ट के आदेश के इंतजार में अभी भी थाने के बाहर पड़ा हुआ था। मनोज का एडमिशन MLB कॉलेज में हो गया। कॉलेज अचलेश्वर मंदिर के पास अंग्रेजों के जमाने की एक भव्य बिल्डिंग में स्थित था। त्रिलोकी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं। मनोज इतने बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के कारण अपने आप को खुशनसीब मान रहा था। त्रिलोकी का कमरा ललितपुर कॉलोनी में शंकर चौक के पास था, जहाँ से कॉलेज नज़दीक ही था। मनोज त्रिलोकी के कमरे पर रहने लगा। कॉलेज में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। शुरू में सब विद्यार्थी एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे जाने पहचाने लगने लगे। मनोज ने देखा कि कॉलेज में दो तरह के लड़के हैं, एक वे जो आसपास के गांव से आए हैं, विकास भदौरिया, रविकांत द्विवेदी इसी वर्ग के छात्र थे। दूसरा वर्ग उन लड़कों का था जो ग्वालियर के ही रहने वाले थे। आर्थिक रूप से यह लड़के गांव के लड़कों से अधिक समृद्ध थे। ये लड़के स्कूटर या हीरो पुक से कॉलेज आते थे। अमित दीक्षित और मनीष इसी वर्ग के छात्र थे। इन छात्रों की एक खासियत और थी, ये सभी छात्र पहले गणित और बायोलॉजी के छात्र थे। PET और PMT में असफल होकर BA के मैदान में कूदे थे। आज क्लास खाली थी। पेड़ के नीचे चबूतरे पर इन दोनों ग्रुप के लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी का परिचय आपस में हो चुका था, पर आज लड़कों के इतिहास पर चर्चा चल निकली। किसी ने पूछा तो शहरी लड़के मनीष ने जवाब दिया, 12th में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, 70% आए थे मेरे, पर मेडिकल एंट्रेंस में नहीं हुआ, इसीलिए BA करने लगा। अब मैं PSC की तैयारी करूँगा। विकास भदौरिया ने अपने करियर की अलग प्लानिंग की थी। उसने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा सपना है TV पर रिपोर्टिंग करना। देश दुनिया की बड़ी खबरों को कवर करने वाला रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। एक दिन तुम लोग मुझे ज़रूर TV पर देखोगे। भदौरिया की बात सुनकर मनोज ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम ज़रूर बनोगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मनोज की शुभकामनाएं सुनकर भदौरिया ने उत्साहित होते हुए कहा, धन्यवाद मनोज भाई। रविकांत द्विवेदी इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था, वह लेक्चरर बनना चाहता था। अब मनोज की बारी थी। उसने सोचा कि यहाँ तो सभी लड़के होशियार हैं, अधिकतर तो 12th में फर्स्ट क्लास रहे। एक तो वह गांव से आया है,
वैसे ही उसे ये शहरी लड़के सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। यदि वह यह बता दे कि 12th में आर्ट में उसके 55% थे और उसके पहले एक बार गणित में वह फेल हो चुका है, तो इतने होशियार लड़कों के ग्रुप में तो उसे खड़ा भी होने नहीं दिया जाएगा। अच्छे लड़कों का साथ ही उसकी तरक्की का रास्ता बनाएगा, ऐसा वह जानता था। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, 12th मैंने भी गणित से किया है, पर परसेंट थोड़े कम रह गए थे, 65% आए थे। मनोज की हिम्मत 70% तक नहीं पहुंच पाई। उसने 65% से संतोष किया और महसूस किया कि वह इस ग्रुप के नज़दीक आ गया है। वह जानता था कि यहाँ कोई किसी को मार्कशीट नहीं दिखाएगा, इसीलिए झूठ बोलने के बाद भी पोल खुलने का कोई खतरा नहीं है। एक शहरी लड़के अमित दीक्षित ने तो जैसे धमाका कर दिया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, PSC का स्तर मेरे लायक नहीं, मैं तो IPS बनूंगा। मेरी पर्सनालिटी पर तो पुलिस की वर्दी ही सूट करती है। रोमांच चाहता हूँ मैं लाइफ में। सब लड़के आश्चर्य से अमित का चेहरा देखने लगे। वहाँ खड़े लड़कों को अमित में भविष्य का वर्दी पहने पुलिस कप्तान नजर आने लगा। मनोज अमित की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी किसी की भारी आवाज़ लड़कों को सुनाई दी, आप लोग क्लास के वक्त यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? सामने कॉलेज के प्रिंसिपल गोविंद प्रसाद शर्मा खड़े हुए थे। उनके शब्द कोमल किंतु भारी थे। जब कोई लड़का अपनी जगह से हिला डुला नहीं और किसी के मुंह से डर के मारे कोई आवाज़ नहीं निकली, तो भदौरिया ने हिम्मत की। सर, आज पॉलिटिकल साइंस के सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनका पीरियड खाली है। प्रिंसिपल सर जानते थे कि लड़के यदि इस तरह खुले मैदान में पेड़ के नीचे चर्चा करते रहेंगे तो कॉलेज में जो क्लास चल रही है उनको व्यवधान होगा तथा इन लड़कों को भी फ्री क्लास में गप्पे लगाने का शौक लग जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल सर इस आदत को विकसित ही नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप लोग क्लासरूम में चलिए, मैं आता हूँ। क्लास में पहुंचकर मनोज ग्रुप के सबसे स्मार्ट और महत्वाकांक्षी लड़के अमित के साथ बैठ गया। उसकी इच्छा अमित से दोस्ती करने की होने लगी। लेकिन अमित ने गांव से आए दुबले पतले मनोज से मित्रता करने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। वह मनोज के पास से उठा और शहरी लड़के मनीष के पास जाकर बैठ गया। मनोज उसके इस व्यवहार से मन महसूस कर रह गया। प्रिंसिपल सर ने क्लास में आकर बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया और लड़कों को सीधा पढ़ाना शुरू करते हुए पहला प्रश्न किया, क्या आप लोगों में से कोई मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है? सब चुप। गणित और बायोलॉजी में 12th पास लड़कों को मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ देर पूर्व IPS बनने की इच्छा रखने वाला अमित दीक्षित भी मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं जानता था। पूरी क्लास में सन्नाटा था। मनोज ने मार्क्सवाद के बारे में 12th के राजनीति विज्ञान में पढ़ा था। मार्क्सवाद के बारे में प्रिंसिपल सर को बताकर वह न केवल क्लास की नज़र में बल्कि प्रिंसिपल सर की नज़र में भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता था। उसके लिए यह अच्छा मौका था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ खड़ा किया तो प्रिंसिपल सर ने कहा, चलो इतनी बड़ी क्लास में कोई तो है जो मार्क्सवाद के बारे में जानता है, क्या नाम है तुम्हारा? मनोज ने प्रिंसिपल सर के साथ साथ पूरी क्लास को अपना नाम बताया, मनोज कुमार शर्मा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बहुत बढ़िया मनोज, बताओ क्या जानते हो तुम मार्क्सवाद के बारे में? मनोज ने बताया, सर दुनिया में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग अपने लालच के लिए गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसीलिए गरीब वर्ग को अपने अधिकार अमीरों से छीन लेना चाहिए, यही कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसे जितना और जैसा भी याद था वह बता दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा, दोस्तों यहाँ अमीर वर्ग को पूंजीपति और गरीब वर्ग को सर्वहारा कहा गया है। वेरी गुड मनोज, बैठ जाओ। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने आधा घंटा मार्क्सवाद पर लेक्चर दिया। मनोज मंत्रमुग्ध सा सुनता रहा। घंटी बजने पर क्लास समाप्त हो गई।
रविकांत द्विवेदी और भदौरिया ने उसे आज की उपलब्धि पर बधाई दी। भदौरिया ने मजाक में कहा, मनोज यार, मुझे तो लगता है हम अलग अलग गाँव में से आने वाले लड़के सर्वहारा वर्ग के हैं और ग्वालियर के मूल निवासी स्कूटर मोटरसाइकिल से आने वाले स्मार्ट लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तुमने क्लास में सर्वहारा वर्ग की नाक ऊँची कर दी। भदौरिया द्वारा की गई इस तारीफ से मनोज का चेहरा खुशी से चमकने लगा।